तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं करीबी लेक। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा, जंगल से होते हुए आधा सफर कंप्लीट करके हम पहुंच चुके हैं रिवर कैफे। चलिए आगे जानते हैं। तो गाइस फाइनली हमने लंच कंप्लीट कर लिया है और हम यहाँ से निकल चुके हैं, और करीबन 3 घंटे का रास्ता और बचा है लेक तक पहुँचने के लिए। और तो हम फटाफट लेक पे पहुँचते हैं और खूबसारे नज़ारे अभी दिखा रहा हूँ, बाद में दिखाऊंगा और दिखाता रहूँगा, तो आप कनेक्ट रहिए मेरे साथ इस जर्नी में। सो दोस्तों, बहुत सीधी चढ़ाई है और बहुत ख़तरनाक है। इस तरफ देखो आप, मौसम बदल चुका है, बहुत ठंड बढ़ने लग गई है। जैकेट नहीं निकाला जा रहा अभी थोड़ा सा। ये देखो रास्ता, गाइस यहाँ से हम आगे निकलते हैं, मिलते हैं दो बाद में। तो दोस्तों बहुत सीधी चढ़ाई है, वो नीचे से मैं चलते आया हूँ, यहाँ से होते होते यहाँ से आपको दिखाता हूँ कहाँ जाना है। वो दिख रहा है पार, वो जा बंदा खड़ा है वहाँ पे जाना है। ओए बहुत डिफ़िकल्ट है पहुँचना, चढ़ाई बहुत थकान होती है, तो चलो वहाँ पे मिलता हूँ आपको। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया ना, वो चैलेंज ख़त्म हुआ और मैं बोला चलो अब तो थोड़ा सही रास्ता जाएगा। मैंने चैलेंज ख़त्म होते पीछे देखो आप, यहाँ से होते ये लोग रास्ता देखो आप, शायद आपको नहीं पता कैमरे में कैसे दिख रहा है, आंखों से जो दिख रहा है ना आपको दिखाता हूँ मैं। चलो इस लेक तक मैं पहुँच जाऊँगा, ऐसी ऊंची चढ़ाई है भाई साहब। चलो चलो, ओह तेरी तो आगे का रास्ता देख। सो गाइस वो चढ़ने के बाद अब ये नीचे उतरना है फिर चढ़ना है, मेरा दिमाग खराब हो गया। और मैं भी अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि यार बीएल गेट्स की टीम्स कितनी डिफिकल्टीज और मतलब टफ चीज़ों का सामना करके उसके साथ रहती है, आज पता लग रहा है यार दोस्तों सही में। ये देखिए ऐसे चल के वापस वहाँ तक जाना है। तो दोस्तों एक और चेक पॉइंट पर पहुँचे हैं, ये दुकान बंद है, मेरे को इस जगह का नाम पता नहीं है, तो मैं कंफर्म करके आपको जरूर बताऊंगा जगह का नाम। इतनी देर ठंड में ठंडी हवा में चलने के बाद फाइनली मेरे को धूप दिख रही है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। हाँ पीछे की तरफ पहाड़ों पे धूप दिख रही है, तो ये पूरा देखो कोहरा छा गया, इधर फॉगी फॉगी है, बादल ही बादल आ चुके हैं। और रानी का समझ नहीं आ रहा वो कहाँ रह गई, पीछे थोड़ी देर से दूर वो खा रही थी कुछ और पीछे रह गई है अभी। तो बीच का इतना ख़तरनाक रास्ता था ना, मतलब वीडियो तो छोड़ो, खुद को चलने में जोर आ रहा था, चल ही नहीं पा रहा था मैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट था, पर शॉर्ट्स बहुत अच्छे अच्छे लिए। धूप आ चुकी है और मैं अब एक पैर धूप के अंदर और एक पैर छाया के अंदर। चलते हैं भाई चलते हैं, धूप चाहिए मेरे को धूप, जादू और हम बन गए जादू, तो लेट्स गो। ये हम आ गए धूप के अंदर, हाय साहब बहुत तगड़ी फीलिंग आ रही है, धूप आती बहुत तगड़ी, बहुत 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 छाया से प्रकोप से बाहर निकले। अब देखो वहाँ चढ़ना है मेरे को, तो भाई मैं बंद कर रहा हूँ इस वीडियो को। थोड़ी देर बैठा हूँ मैं यहाँ पे आराम से शांत में, पानी की बहती बहती आवाज़ आ रही है यहाँ पे, बहुत प्यारा लग रहा है, ऊपर से धूप खिल रही है धीरे धीरे, छोटी छोटी धूप खिलते खिलते फेस पे आ रही है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद आगे बढ़ेंगे, और जो मेरे साथी लोग हैं थोड़ा सा पीछे बैठे हैं वो भी रेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा अपडेट कर दूँ मैं, चढ़ाई थोड़ी सिंपल लग रही है क्योंकि यहाँ पे मतलब स्टेप्स टाइप नहीं है, थोड़ा सांप जैसा रास्ता है जिग-जैग, तो अब चलने में थोड़ा आसानी होगी। There's no denial what we want. Playing games now, there's no denial what we want.
दुकान पे हम आधे घंटे रुकने के बाद आगे बढ़ चुके हैं। करेरी लेक से 1.5 किलोमीटर नीचे ये शॉप है, तो आई थिंक ये फाइनल दूसरी आखिरी दुकान होगी ना, और भी है क्या? हाँ, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, बहुत थक चुके थे, तो आराम से रेस्ट करा, खाया पिया, थोड़ा बहुत जूस वगैरह पिया। अब निकल चुके हैं, 1.5 किलोमीटर और बचा, आधे घंटे का सफ़र। अब तो मिलते ही आपको वहीं पे लेक के। वी आर वेरी नियर टू द लेक, बस 500-400 मीटर और रह चुका है और 15 मिनट का सफ़र होगा यहाँ से लेक तक का। पर यार सही में दमदार ट्रैक है यार ये, आओ कभी इस ट्रैक पे। और पीछे देखो क्या सुंदर मौसम है यार, उधर की तरफ धूप पड़ रही है, इधर की तरफ छाया हो रही है, उधर की तरफ धूप, इधर की तरफ छाया। तो अब तो फाइनल डेस्टिनेशन करेली लेक, तो पहुँचते करेली लेक। और टेम्परेचर लग रहा है शायद 10 डिग्री तक पहुँच गया होगा, अभी ठंड लग रही है, पर चढ़ेंगे तो थोड़ी गर्माहट आती है, इसलिए मैं जैकेट वगैरह नहीं पहन रहा हूँ, क्योंकि गर्मी लगने लग जाती है, स्वेटिंग आने लग जाती है, इसलिए ऐसे ही। और देखिए माहौल बन गया इधर सारे हैं, मेरे जो दोस्त वगैरह है जो हमको रास्ते में मिले वो सारे यहाँ पे भी विराजमान है, और अच्छे अच्छे शॉट्स ले रहे हैं, अच्छे अच्छे शॉट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको मैं करेली लेक दिखाना चाहता हूँ। तो आज देखें या कल देखें? आई थिंक कल मिलते हैं अपन करेली लेक। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं करेली लेक, और इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, कुछ दिखाऊं आपको? आपको हल्का सा व्यू दिखाता हूं दोस्तों। तो गाइस फाइनली हमने जगह ढूंढ ली है और हम अब टेंट लगाने जा रहे हैं, तो फटाफट आपको दिखाता हूँ टेंट कैसा लगता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? फाइनली मैं करेली लेक पहुंच चुका हूं, शाम को 6 बजे हम शायद यहां पे पहुंच गए थे। उसके बाद हमने कैंप साइडिंग करी, कैंप वैम्प लगाया और लकड़ी वगैरह लेके आया। थोड़ा सा यहां से चल के जाना पड़ता है लकड़ी लेने के लिए। मैं वैसे सुबह दिखाऊंगा आपको प्रॉपर सारी चीज़ें, पर मैं आपको डिटेल दे रहा हूं थोड़ी बहुत, है ना। कल लकड़ी वगैरह लेके आया, अभी बोन फायर लगा रखा है और अभी खाना भी प्रिपेयर हो रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। आ जाओ पहले, खाना वाना दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे लेने के लिए, देखो ज़्यादा बैग भर के ना लाएं, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े वाटरप्रूफ होने चाहिए, है ना। ट्रैकिंग सूट्स वगैरह आप लेके आएँ और आपका बैग वाटरप्रूफ होना चाहिए। वाटरप्रूफ का हर चीज़ का ध्यान रखें, भले आपके टेंट हो, भले सारी चीज़ें हो, सारी वाटरप्रूफ होनी चाहिए वो। उसके अलावा डिहाइड्रेशन रहने की संभावना रहती है यहाँ पे, है ना, क्योंकि जंगल में आपको गर्मी सर्दी सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो कैरी करें कि ऐसी चीज़ें जो एनर्जेटिक हो, है ना, चॉकलेट्स ले सकते हैं, एनर्जी बार ले सकते हैं, है ना। उसके अलावा आप जूसेस ले सकते हैं, है ना, ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जैसे ज़्यादा सामान है आपके पास, है ना, तो आप जो घोड़े वगैरह हैं जहाँ तक ऊपर तक आते हो तो हायर कर सकते हो, है ना, या किसी कंपनी के थ्रू भी अगर आप आते हो तो सारी चीज़ें पहले तो चेक करके आओ आप, है ना। बाकी यहाँ तक आने का रास्ता कोई इतना टफ नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब गाइड आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी आ सकते हो। मेरा जो आप व्लॉग देखोगे उसमें प्रॉपर मैंने गाइड कर रखा है कि आप यहाँ तक करेली लेक तक कैसे आ सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो खाना बन रहा है यहाँ पे। खाने में क्या है, देखो दाल चावल अभी हमने लाइट वेट खाना रखा है, ये देखो कुकर में खाना बन रहा है यहाँ पे, और दाल भी बन रही है, अभी ऑलमोस्ट बनने वाली थोड़ी देर में। तो ये सारा इसका साइड है, और बाकी उस साइड हमने बढ़िया लकड़ी से आग वाग लगा रखी है। और शाम होने से पहले पहले सारी व्यवस्था कर लेना यहाँ पे, और लकड़ी इतनी लेके आना कि भाई पूरी रात जले, है ना, पता लगे तो आप रात में ठंडे मर रहे हो, है ना। तो वो देखो आप, अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है उधर, तो उधर बॉनफायर लगा रखा है, बढ़िया हाथ तापने की व्यवस्था है पूरी। ठंड जहाँ पे है अभी, देखो अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में यहाँ पे बर्फ़ नहीं रहती है, हल्की हल्की बर्फ़ है यहाँ पे। अभी तापमान 3 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास है यहाँ पे, और रात में -1-2 तक जाने की संभावना है। और बताया था कि जो ओस जमती है, ओस जो है ना आपके टेंट के ऊपर, वो जम जाती है, वो बर्फ़ बन जाती है। तो भाई
व्यवस्थित आना है ना, हर चीज़ वाटरप्रूफ और ऐसी लाना जो आप बर्फ़ में भी आप आराम से आप सर्वाइव कर सको, है ना, क्योंकि ठंड का रहता है। सो गाइस मिलते हैं आपको मॉर्निंग में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।